फार्मिस्ट, आज मैं लेकर आई हूँ अपना वैनिटी टूर वीडियो। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा एंड हाईलाइट से भी, एंड इस वीडियो की तैयारी ना मैं काफ़ी टाइम से कर रही थी। यहाँ पे जो मैं रहती हूँ वो है एक रेंटेड अपार्टमेंट, तो ऐसा कुछ हाई फाई वैनिटी आपको ऐसा देखने का नहीं मिले। लेकिन जो रेंटेड अपार्टमेंट में भी किस तरह से आप अपनी वैनिटी को ना ऐसे क्रिएट कर सकते हो थोड़ा अपने लिए, वही आइडिया सोच कर ही मैंने कुछ क्रिएट किया है। एंड यहाँ पे ट्रस्ट मी, ये जो मेरा आप वैनिटी मिरर देख रहे हो या इसको ड्रेसिंग टेबल आप जो भी बोल सकते हो, ये भी रेंटेड वाला ही है, मतलब इसी घर वाला ही है। हम वहाँ से कुछ लेकर नहीं आए थे, तो मैंने सोचा कि नया तो अभी खरीद नहीं सकते थे क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको भी मेंटेन करूँ और जो नया वैनिटी है उसको भी करूँ। तो मैंने सोचा कि जब हम अपने घर में जाएंगे या कुछ शिफ्ट करेंगे और तब हमें वैनिटी लेने का होगा, तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो इसी रेंटेड वाले जो वैनिटी है, इसी ड्रेसिंग टेबल को मुझे कुछ अच्छा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने वैनिटी में। वीडियोस में भी मुझे चाहिए था कि बैकग्राउंड में कुछ रहे, एंड अपने मेकअप वगैरह के लिए भी चाहिए था। तो बड़े ही आइडियाज लगा के, अमेजोन से चीज़ें लेके मैंने थोड़ा थोड़ा इस वैनिटी को क्रिएट किया, एंड इट लुक्स नाइस। मुझे देख के बहुत खुशी मिलती है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है अपनी वैनिटी को देख के। और यहाँ पे बैठ के मुझे मेकअप करना हुआ या अपना स्किन केयर करना हुआ, वीडियोस बनाना हुआ, यहाँ पे जो मैंने लाइटिंग का किया हुआ है, मैंने अपना रिंग लाइट भी नहीं लिया है, तो इसी वैनिटी की लाइट से ही मेरी काफ़ी सारी वीडियोस बन जाती हैं। तो इसका एक वीडियो टॉक तो बनना ही था, एंड बहुत ही इमोशनली टस्ट हूँ मैं इस वीडियो को लेके, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है इसको सोच के क्रिएट करने में कि कहाँ पे क्या चीज़ें फिक्स करूँ। एक रेंटेड वाला सिंपल सा ड्रेसिंग टेबल जिसको मैंने काफ़ी सही तरीके से आई गेस वैनिटी में कन्वर्ट किया। आई होप कि आपको ये टूर वीडियो अच्छा लगे। ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें मैंने लिया है इस वैनिटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए वो सब कुछ अमेजोन से है, तो उसका लिंक आपको जरूर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जितनी भी चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, अगर आपको भी कुछ क्रिएट करने का मन करता है, तो यू कैन डू इट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना वैनिटी टूर वीडियो शुरू कर देते हैं। हाईलाइट्स तो आपने ऑलरेडी देखा ही हुआ है, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, तो सबसे पहले ना शुरुआत कर देती हूँ अपने वैनिटी चेयर से। इसके साथ कोई ऐसा चेयर नहीं था, तो मैंने ये चेयर लिया। ये एक ऐसे पूरा 360 डिग्री घूम जाने वाला ऑफिस चेयर है एक्चुअली, एंड ये मेरे हस्बैंड यूज़ करते थे, मतलब वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे जब वो कंप्यूटर्स में काम करते थे तो उनका ऑफिस का है ये। लेकिन अभी तो वो इतना यूज़ में नहीं आ रहा था, तो मैंने इस रूम में इसको एज अ वैनिटी चेयर यूज़ कर लिया, एंड इसके ऊपर एक ये खूबसूरत सा मैक्रेमे वाला ये डाल दिया, मतलब से ही लिया, एंड इसका काफ़ी अच्छा है, इसको काम बड़ा सुंदर सा लगता है, एंड ये वाइट का टच भी मुझे देना था तो ये मैंने यूज़ कर लिया। अब आ जाते हैं हम एक्चुअली असली अपने वैनिटी में, एंड ये रहा जी इसका मिरर, एंड ये फुल मैं आपको दूर से लुक दिखाती हूँ, तो ये कुछ ऐसा है, वैनिटी चेयर पीछे करती हूँ, एंड ये फुल कुछ ऐसा है। ये बहुत ही सिंपल सा एक वुडन ड्रेसिंग टेबल है जिसमें बिल्कुल भी लाइट्स ऐसे नहीं था, तो ये लाइट्स जो है ना, ये आप देख रहे हो, ये भी मैंने अमेजोन से ही लिया, एंड यहाँ पे इसको फिक्स किया, एंड इसमें लाइट काफ़ी अच्छी आप आ जाती है। ये है इसका स्विच, इसका सिस्टम, एंड इसको मैं ऐसे बंद कर देती हूँ तो ये बंद हो जाता है। इसमें काफ़ी पावर बढ़ाने के लिए भी है, एंड अगर इसका आपको मोड वगैरह भी चेंज करना है, पावर बढ़ाना है, तो भी ऐसे है। ये मैंने ऐसे टक कर दिया है, एंड ये वायरिंग कुछ इस तरह से दिया है जो कि इतना वीडियोस में नहीं दिखता, एंड इट लुक्स गुड, और लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। एंड अब आ जाते हैं हम अपने टेबल टॉप के ऊपर, एंड इस टेबल टॉप में सबसे बढ़िया जो लग्जरियस दिखता है वो है ये 360 डिग्री क्रिएटिंग वो है ऑर्गेनाइज़र है, ये भी मैंने अमेजोन से ही लिया है, एंड आई थिंक ये भी कुछ 1000 के अंदर ही है, एंड ये मुझे काफ़ी काम आ जाता है, मेरे डेली स्किन केयर वगैरह एंड एक दो मेकअप सीरम वगैरह ये सब कुछ भी इसमें आ जाता है। ये बहुत ही कन्वीनियंट है और काफ़ी क्लासी दिखता है। एंड उसके बाद यहाँ पर मेरा एक और ऑर्गेनाइज़र है जो कि इस तरह से ये पूरा सेट था, इसमें मैंने अपनी एक्चुअली जो भी मैं लिपस्टिक्स यूज़ करती हूँ ना, थोड़े ब्रांड्स के, जो भी आपका शार्लेट टिल्बरी हुआ या जो भी हुआ, ये फाउंडेशन और लिपस्टिक यहाँ पे मेरा सेट है। यहाँ पे थोड़े और अच्छे लिपस्टिक्स हैं, यहाँ पे फाउंडेशन वगैरह सब कुछ, ये मेरा पूरा आप लगा लो मेकअप का ही है। इसके अंदर ऐसे ड्रॉर्स भी दे रखे हैं, ये चार ड्रॉर में मेरे ये सारा आ जाता है, इसमें जो भी आपका ब्लश वगैरह एक्स्ट्रा ये सब कुछ इसमें आ जाता है। तो इस तरह से इसमें मेरा काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। मैंने ना वैनिटी क्रिएट करते समय ये ध्यान में रखा था कि जो मैं रेगुलर बेस पे यूज़ करूँगी वही सब कुछ इस टेबल टॉप पे रहेगा,
और इसी 360 डिग्री रोटेटिंग ऑर्गेनाइज़र के साथ ही ना मैंने एक और रोटेटिंग ऑर्गेनाइज़र रख रखा है जो कि है काफ़ी पॉपअप कलर ऑरेंज में। ये भी मैंने अमेजोन से लिया था एंड एक्चुअली इसको मैंने लिया था अपने मेकअप ब्रशेस वगैरह रखने के लिए। तो बीच वाला जो सेक्शन है ना उसी में ही मेरे मेकअप ब्रशेस एक्चुअली सब आ ही जाते हैं ऑलमोस्ट। एंड अगर कुछ और भी रखना हो तो मैं ये खाली कर दूँगी और उसके साइड में जो मेरी दूसरी चीज़ें हैं ना वो आ जाती है, जैसे कि मेरे आई केयर जो आई मेकअप का है ना सारा, जैसे ये मस्कारा वगैरह हुआ, आईलाइनर वगैरह हुआ, वो सब कुछ आ जाते हैं। यहाँ पे कुमकुम वगैरह हुआ, ये आईलैश कलर हुआ, ये सब कुछ भी मैंने रखा है। एंड यहाँ पे मेरा ये कॉम्ब है, यहाँ पे मेरा ये एक और ब्रश है छोटा वाला, ये रखा है छोटा सा जो वैनिटी मेरा चाहिए होता है ना कभी मेकअप वगैरह करने के लिए वो है। एंड ये ऐसे रोटेट हो जाता है और इस पूरे सेक्शन में ना ये ऑरेंज वाला कलर थोड़ा सा ऐसे पॉपअप सा लुक देने के लिए, क्योंकि काफ़ी मोनोक्रोम जा रहा था सारा वाइट वाइट वाइट, तो एक ये मुझे बहुत सुंदर सा लगा था। एक्चुअली इसी कलर में ना मैंने एक टिश्यू बॉक्स भी देखा है, तो ये कुछ ऐसा वाइप मैच करने के लिए ना थोड़ा सा मैंने पहले इसको ले लिया, अभी टिश्यू बॉक्स मैंने लगाया नहीं है एंड ये ऐसा ही है। एंड नाउ इस टेबल टॉप को थोड़ा सा ना अच्छा क्लासी लुक देने के लिए मैंने ये फर वाला एक मैट सा लिया था, लंबा है काफ़ी, ये आई थिंक 3 फीट या 4 फीट तक का लंबा होगा। एंड नाउ कमिंग टू दिस ऑर्गेनाइज़र, अब इस ऑर्गेनाइज़र में भी हम मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे पफ वगैरह रख रखा है, मेकअप ब्लेंडर वगैरह, और यहाँ पे जितना नेल पेंट वगैरह जो मैं डेली बेस पे यूज़ करूँगी वो है। यहाँ पे मेरे हेयर केयर की चीज़ें हैं जैसे कि सैरम वगैरह और ये स्टाइल मिस्ट वगैरह, यहाँ पे ये मेकअप फिक्सर है और यहाँ पे थोड़ा सा और परफ्यूम, यहाँ पे ये गुलाब जल, इस तरह से चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे थोड़ा सा इसको और एथिस्टिक लुक देने के लिए ना मैंने एक ये पिंक 2 सेट खरीदे थे, ये भी अमेजोन से ही है। और यहाँ पे मैंने ये यू नो ये वाला एक क्लिप पे इसको ऐसे ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐसे इसको भी कर दिया, तो ये काफ़ी शेल वाला काफ़ी खूबसूरत दिखता है ये। इसके साथ ये बिल्कुल एथिस्टिक सा ये बिल्कुल बन जाता है, इसके साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने ये टेबल टॉप सजाया है जो कि मेरे रेगुलर यूज़ में आएंगी और मेरे को बहुत इजी रहे सब कुछ यूज़ करने के लिए। मुझे एक एक चीज़ जो मेरी डेली लगेगी ना वही मैंने सब रखा है, जैसे कि ये यहाँ पे नैपकिन्स हुआ, ये वेट टिश्यू हुआ, ये सब कुछ हो गया। अब मुझे चाहिए था कुछ ऐसा जो मैं अपने परफ्यूम्स रख सकूँ, तो परफ्यूम के लिए बहुत बड़ा ऐसा ऑर्गेनाइज़र तो कुछ ऐसा मैं नहीं ले सकती थी, ऑलरेडी मेरे स्किन केयर और मेकअप को बहुत ज़्यादा फिक्स हो गया था और मैं बहुत क्लमजी नहीं करना चाहती थी, बहुत क्लासी दिखना चाहिए था मेरा जो ये टेबल टॉप है। परफ्यूम स्टैंड एक्चुअली ये एक केक टायर स्टैंड है 2 टायर वाला और इसका साइज़ ना मुझे बहुत परफेक्ट लगा था, क्योंकि ये ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना तो बहुत ज़्यादा छोटा है और मेरे परफ्यूम्स के इतने भी नहीं कलेक्शन रहते हैं, मैं थोड़े थोड़े यूज़ करती हूँ एंड फिर नया क्रिएट करती हूँ नया लाती हूँ, तो इस हिसाब से ये 2 टायर वाला मुझे परफेक्ट लगा था एंड इसका लुक काफ़ी क्लासी है। और ये मुझे वाइट एंड गोल्डन के टच में मिला था, इसमें इस तरह से यू नो डिज़ाइन हो रखा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैंने थोड़े से परफ्यूम अपने लगा दिए और ये वाला एक मिरर ना मुझे एक्चुअली एक सेट में फ्री मिला था तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। अब मैं आपको बताती हूँ इसको एक्चुअली लगाने का रीज़न क्या था। ये ना मेरे यहाँ पे आयरन के साथ, ये मेरा स्टीम आयरन है जो मैंने अभी लिया है, तो मैंने इसको भी यहाँ पे ही रख दिया क्योंकि ये सब कुछ मेरे अभी रेगुलर वेस में ना काम आ जाता है, मुझे अपने जो आउटफिट वगैरह अगर आयरन करना हो, और ये इसके ऊपर बहुत सही लगता है, ये इसका छोटू सा वाटर फिल्टर है तो ये भी मैंने इसके साथ रख दिया। और ये ना आपस में बहुत ज़्यादा सही यू नो मैच कर रहे थे, तो बहुत एथिस्टिक सा लुक आ रहा था इस पूरे टेबल टॉप का। इसके पीछे की तरफ अगर आप जाओ तो यहाँ पे मेरे रेगुलर बेस पे जो मैं आई शेडो वगैरह यूज़ करती हूँ ना वो है, और ये मैंने एक स्टैंड था नैपकिन स्टैंड था इसको ही आई शेडो स्टैंड में कन्वर्ट कर दिया एंड लाइक दिस मैंने इसको सजा दिया। यहाँ पे एक और मेरा जो अच्छा वाला है बेका का वो भी मैंने रख दिया एंड इट लुक्स नाइस। यहाँ पीछे की तरफ को एक कैंडल है जो मैं कभी कभी लगाती हूँ, ऊपर लगा देती हूँ वहाँ पे, नहीं तो यहीं पे ही लगा देती हूँ। तो ये तो हुआ टेबल टॉप की बात, अब चलते हैं जो मेरा ड्रॉअर है इसके भी दर्शन आपको दे ही दूँ। तो ये रहा मेरा जो वैनिटी ड्रॉअर है, ऊपर ही मेरे सारे मेकअप और स्किन केयर मैंने लगा दिए थे तो नीचे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, डेली बेस पे जो भी ज्वेलरीज होंगे उन्हीं को लगा दिया एंड इट लुक्स नाइस मैन, इट लुक्स
ग्रेट। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा इसको ऑर्गेनाइज करने के बाद। एंड ये जो आप ऑर्गेनाइजर्स देख रहे हो ना, ये सब कुछ मैंने अमेजोन से सेट लिया था एंड इसको मैंने लगा दिया इस तरह से। एंड ये लगने के बाद बहुत खूबसूरत, बहुत क्लासी लुक दे रहा था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि इतनी चीज़ें आ जाएंगी। और आप जैसा कि देख सकते हो ना, मेरा ना बहुत ऐसा मेकअप का कलेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा प्रॉपर मेकअप के वीडियोस तो नहीं बनाती हूँ, सब कुछ ही मिला जुला रहता है। तो मेरे मेकअप बहुत नहीं खरीदती हूँ, इसलिए सब कुछ जो रेगुलर वाला है ना, वो सब कुछ ऊपर ही आ गया। और नीचे मेरे डेली बेस पे जितने भी ज्वेलरी वगैरह मैं लगाऊंगी या फिर यूज़ करूंगी अपने वीडियोज़ के लिए, वो सब कुछ आ गया। यहाँ पर मैंने थोड़े से बैंगल्स वगैरह रख दिए, यहाँ पर मैंने थोड़े से यू नो नेक पीसेस वगैरह रख दिए, मिले जुले हैं। यहाँ पे थोड़े से ये हेयर पिन वगैरह हैं, ये फ्लावर वाले, ये बहुत सुंदर लग रहे थे एक्चुअली इस पूरे बकेट में, तो मैंने इसको यहाँ पे ही सजा दिया। ये ना बहुत ही सुंदर सा दिख रहा था। यहाँ पे थोड़े इयर रिंग्स वगैरह, एथनिक और वेस्टर्न दोनों ही कलेक्शन मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे ये रिंग्स हैं जो अपने वीडियोज़ के लिए यूज़ करती हूँ। यहाँ पे ये प्यारा सा बिंदी का पैकेट एक्चुअली ये मैंने रख दिया। यहाँ पे ये रबर बैंड्स हैं जो यू नो वीडियोस में भी काम आ जाते हैं और मैं पहनती हूँ, तो इस तरह से मैंने रखा हुआ है जो कि डेली बेस पे मुझे काम आए, चाहे वो वीडियोस बनाना हो या तैयार होना हो। एंड फाइनली यहाँ पे एक प्यारा सा ये मिरर भी मैंने रखा हुआ है। ये मुझे शार्लेट टिल्बरी के साथ ना फ्री मिला था। पहले तो मैं सोची थी कि इसको ऐसे सजा के ऐसे ऊपर रखूँ, लेकिन फिर मुझे डर लगा कि स्क्रैचेस ना आ जाएँ। तो यस, ये बहुत ही प्यारा सा इसके साथ मैंने यहाँ पर ये रखा हुआ है। तो इसी तरह से इसके अंदर का भी मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है सब कुछ डेली बेस पे तैयार होने के लिए। तो यहीं पे बैठ के मैं अपना तैयार होती हूँ एंड बहुत अच्छा लगता है यार। सही में इसको क्रिएट करने के लिए मैं बहुत दिमाग लगाई थी कि कैसे कैसे करूँ। सिंपल सा तो है ये वुडन का, इसको किस तरह से करूँ। तो ऊपर का तो आप देख सकते हो, ये इस तरह से कुछ है। अब इसको मैं बंद कर देती हूँ। फाइनली अब हम नीचे आ जाते हैं। इसके नीचे का भी ना एक्चुअली आप देखोगे तो ये पूरा खाली है। तो यहाँ पे मैंने अपना एक होता है ना दरी टाइप का, क्या बोलेंगे इसको, मैट टाइप का है जो मैंने अमेजोन से ही लिया था एथनिक वाला बोहो प्रिंट में। इसको मैं यहीं पे रखती हूँ, जब यूज़ करना होता है तो यहाँ से निकाल लेती हूँ। और बीच में होलो था तो ये भर गया पूरा। और यहाँ पर मैंने एक वुडन ये डाला हुआ है ताकि ये जगह ना ऐसे वेस्ट ना जाए। तो ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र आप केन वाला देख रहे हो, ये भी मैंने अमेजोन से ही लिया हुआ है। और इसके अंदर मैं अपने कुछ नए वाले जो स्किन केयर है ना, वो सब रखती हूँ यहाँ पे। जैसे अपना बॉडी लोशन वगैरह लगाना हो तो ये सब कुछ है, स्पा वगैरह कुछ करना हो तो ये सब कुछ है। तो मैंने इस जगह को भी थोड़ा सा यू नो यूटिलाइज़ कर लिया। और यहाँ पर ये चेयर आ जाता है तो ये सही दिखता है। यहाँ पर बैठ के भी मैं अपना हेयर ऑयलिंग वगैरह कर लेती हूँ, हेयर स्टाइल वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरा लॉन्ग वाला मिरर है। तो ये जगह भी मुझे अच्छे से यूज़ आ जाती है। तो बस यही था गाइस, मेरा जो ये वैनिटी है जो रेंटेड अपार्टमेंट्स में ऑलरेडी था मेरे, एंड इसी को मैंने क्रिएट किया थोड़ा सा और लग्जूरियस और थोड़ा सा यू नो एथिस्टिक सा लुक देने के लिए। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगता है, आइडिया अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाई।